ये है ना, ये भैंसे का सर लग रहा है आई थिंक, ये भैंसे का सर है, वहाँ खाल जो है पूरी उखाड़ के डाली हुई है। क्या बोल रहे हैं? नहीं दिखा देती हूँ, ये देखो, ये जो पूरा बॉडी का एक पार्ट होता है ना, पूरा स्टमक बाहर निकाल के डाला हुआ है। ये बकरे का सर है, पैर है, और ये देखिए पूरा उसका स्टमक है, उसकी आंतें हैं। इस वक्त मैं वजीराबाद में हूँ और ये वजीराबाद के आसपास का इलाका है राजीव विहार। ये पूरी जो कॉलोनी है वो पड़ती है राजीव विहार। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो देखने के बाद आपके भी शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। बहुत बदबू है यहाँ पर, मैं खड़ी हूँ, ये मुझे ही पता है कि मैं कैसे खड़ी हूँ यहाँ पर, क्योंकि इतनी बदबू है। और बदबू के साथ साथ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद को लेकर फरमान जारी किया था, सिक्योरिटी लागू कर दी थी और कहा था कि सड़क पर गंदगी कोई नहीं फैलाएगा, लेकिन दिल्ली में उस पर कितना अमल हुआ है और दिल्ली की सरकार ने इस पर कितना ध्यान दिया है, वही दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रुकी हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेशल ये वीडियो बनाने नहीं आई थी, लेकिन मैं यहाँ से निकल रही थी और मैंने देखा कि किस तरीके से पशुओं के अवशेष यहाँ पर कूड़े में डाला हुआ है। कौन सा इलाका लगता है ये? खजूरी राजीव विहार श्री राम कॉलोनी, राजीव विहार लगता है ना, खजूरी का, वजीराबाद के आसपास ही पड़ता है। हाँ पास में है। ये देखो, ये कह रहे हैं कि खजूरी का इलाका पड़ता है, खजूरी में आता है राजीव विहार। और ये जो है बकरा ईद पर, बकरा ईद के दिन ये इन्होंने किस तरीके से गंदगी फैलाई हुई है, ये यहाँ पर क्यों फेंक दिया, क्या कर रखा है ये जो है जो है चेयरमैन जो है वो बेकार आदमी, वो नाली सफाई कुछ नहीं करा रहा। तो ये फेंका किसने, ये चेयरमैन ने थोड़ी फेंका होगा आगे। अरे फेंकेगा तो उसकी मर्जी से, वो मना करेगा तो कैसे फेंक जाएगा, गाड़ी वाले डाल के जा रहे हैं, गाड़ी वाले डाल के चले जाते हैं पता। हाँ। है तो ये आसपास के लोगों ने नहीं डाला? नहीं, आसपास के लोगों ने नहीं डाला। नहीं। अम्मा जी कहाँ रहती हैं? यहीं रहती हैं, यहाँ खजूरी में, खजूरी 12 नंबर में। बकरा ईद मनाई कल? हाँ मनाई। हाँ। तो ईद मनाने के टाइम पे ये कूड़े में पशुओं के अवशेष क्यों पड़े हैं? ये भैंसे का सर है, ये गाड़ी वाले डाल के जाते, गाड़ी वाले डाल के। हाँ गाड़ी वाले, उसके अंदर पूरा उसका अंदर का जो इंटेस्टाइन है वो पूरा बाहर निकाल, जो गाड़ी में कूड़ा आता ना वो डाल के जाते है। आप लोग क्या रहते हैं, आप लोग कैसे रह रहे हैं? खजूरी में गाड़ी आती है, गाड़ी आती, हाँ गाड़ी आती है, सुबह भी दोपहर भी शाम भी, हम तो हमने तो उसमें डाला। तो और पता नहीं यहाँ लोग पत्नी गाड़ी वाले डाल गए, कौन डाल के, लोग शिकायत नहीं करते, बदबू नहीं आती? मैं तो, हम तो आ जाए इधर को। अच्छा हम तो अंदर रहते हैं, अंदर रहते हैं। अरे बाप रे, बताइए पहले मैं दिखा दूँ, देखिए देखने में भी क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है जिस तरीके से आपको दिखाई, ये सर है, ये है ना, ये भैंसे का सर लग रहा है आई थिंक, ये भैंसे का सर है, वहाँ खाल जो है पूरी उखाड़ के डाली हुई है। क्या बोल रहे हैं? नहीं आ रही है गाड़ी, नहीं आ रही, गाड़ी आएगी तो ये गंदगी नहीं रहेगी। गाड़ी रात भी आई है। यहाँ पर जो बकरा ईद मनाई, कुर्बानी आप लोगों ने दी, आपने गाड़ियों में डाला होगा कूड़ा, तो गाड़ी सीधा यहीं पटक के चली गई? नहीं तो गाड़ी लेके नहीं गई होगी ना, लेके नहीं गई, कल भी है आज भी है, तीन दिन का होता है, तीन दिन की कुर्बानी होती है, तीन दिन का कुर्बानी होती है, तीन दिन का पूरा यहीं डाल के। वाले तो बाकी बहुत तो था ना, जो बाकी ले गए, बाकी छोड़ गए। हाँ तो बताइए जो निकलने वाले लोग होंगे उनको देखकर कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे तो देखने में ही अजीब लग रहा है। ये देखिए अभी, चलो वो तो शुरुआत थी, आगे भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये जो पूरा बॉडी का एक पार्ट होता है ना, पूरा स्टमक बाहर निकाल के डाला हुआ है। ये बकरे का सर है, पैर है, और ये देखिए पूरा उसका स्टमक है, उसकी आंतें हैं, और ये देखिए फिर से एक भैंस का सर यहाँ पर जो है कूड़े के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। ये पैर हैं, देखिए बिल्कुल नहीं ये झेल पा रहे हैं, इसको देखना एक बहुत शॉकिंग चीज़ है, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, जिस तरीके से बदबू है। और ये देखिए, ये तो मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊँगी क्योंकि मैं इससे दूर ही हटना पसंद करूँगी। मेरे कैमरामैन प्लीज़ जूम करके आप दिखाइए इसको, ये क्या है, ये पूरा बॉडी पार्ट बाहर निकाल के रख दिया है। कुर्बानी दी जाती है, अंकल कह रहे हैं कि तीन दिन कुर्बानी दी जाती है, तीन दिन कुर्बानी दी जाती है। और ये देखिए, तीन दिन की कुर्बानी, अभी एक ही दिन हुआ है, आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन में आप ये देखिए यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं, ये क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या है। ये देखिए, ये जो ये है, ये कूड़ा नहीं है, ये कूड़ा नहीं है, ये भैया ये क्यों नहीं सफाई हो रही है? पता नहीं क्यों नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील। अच्छा तो ये तीन दिन की कुर्बानी होती है ईद पे, पर ये अवशेष क्यों नहीं फेंके जाते हैं, कहाँ फेंकोगे? यहाँ पे कोई जुगाड़ करा जाए, कुछ रखे हैं। हाँ।
जैसे ये रखा हुआ है जस्ट। अच्छा, यूपी में अभी हमने सुना योगी आदित्यनाथ हर बार ईद पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लागू करते हैं, अभी भी उन्होंने बोला कि सड़कों पर गंदगी नहीं होगी, उसके लिए पुलिस वाले भी तैनात थे, सफाई कर्मचारी भी तैनात थे, यूपी में सड़क पर नमाज भी नहीं पढ़ी गई, लेकिन दिल्ली में ऐसा हो रहा है, कब तक चलेगा ये? मैडम ये तो हमें इस बारे में पता नहीं, ये तो सरकार ही बताएगी इनसे। लोग शिकायत नहीं करते हो क्या? करें शिकायत, एमसीडी से शिकायत नहीं करते हो क्या? किससे शिकायत करे, कोई है यहाँ पे? गाड़ी आती है, कूड़े की गाड़ी आती है। हाँ कूड़े की गाड़ी आती है तो कूड़ा नहीं उठा के ले जाती? कहाँ ले जाती है? अगर ले जाती है पड़ा होता है ये, यही पड़ा रहता है। और क्या इसमें आप लोग क्या करेंगे? एमसीडी का काम है ना ये? हाँ। ये काम एमसीडी का है ना? एमसीडी का ही काम है। हाँ या फिर बताओ हमारा काम है तो हम उठाएं से? नहीं नहीं, आप ये जो देखिए जिस तरीके से ये मांस पड़ा हुआ है ना, आप लोगों ने काटी है, कुर्बानी दिया आप लोगों ने, तो इसको पॉलिथीन में रैप करके या फिर किसी तरीके से नहीं फेंका जा सकता? ये मैडम मांस है, किसे कैसे ही फेंको, जब तक उठेगा नहीं बदबू नहीं जाएगी इसकी। बदबू नहीं जाएगी। हाँ इसको कैसे ही फेंको? जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं आप ये सड़क पर इस तरीके से? एमसीडी का काम हमारा काम थोड़ी ना आएगा इस पूरे इलाके में? ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है क्या पूरा? नहीं क्यों होता, सब सब भी सब रहते हैं। अच्छा सब मतलब सब तरीके के लोग यहाँ? बिल्कुल। तो लोग आपत्ति जताते हैं ऐसे कि आके कि हमें ये देखना पड़ रहा है, देखो वहाँ पर एक आध दिन में उठ जाएगा, अभी तो ईद भी निपटी। अच्छा अभी कल कल की ईद और है, कल कल की ईद और है। हाँ जी उसके बाद परसों देखना क्या होना है। अच्छा परसों हर साल रहता है, मतलब तीन दिन की कुर्बानी में हर साल ऐसा होता है? ना हर साल ही ऐसा होता है, कुर्बानी सड़कों पर पड़ा रहता है ये सब? हाँ पड़ा रहता है ये, तीन दिन के बाद उठाते ना वो लोग? तीन दिन के बाद उठाते? अरे बाप रे, तीन दिन में तो ये सड़ सड़ के बदबू कर देगा पूरा। आप भी सड़िया है ये? हाँ सड़िया है, कोई उठाने को तैयार नहीं है, गाड़ी पाड़ी भी कम। बहुत पास में इस वक्त मैं इस कूड़े के खड़ी हूँ और कूड़े के साथ साथ आपको दिखा रही हूँ ये पूरा मांस है। आप इधर से आप आइए, जूम करा करके दिखाइए उधर से, वो देखिए किस तरीके से अंदर तक की जो आंतें होती हैं पूरा मांस निकाल कर, जो मतलब वेस्ट होता है ना, वेस्ट मटेरियल जब ये कुर्बानी देते हैं पशुओं की, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कूड़े के साथ फेंक दिया जाता है, तो इस तरीके से ये कचरे के साथ ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। तो यूपी में जब ये चीज़ें बोली जाती हैं, सिक्योरिटी लगाई जाती है, फरमान जारी किए जाते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तब लोग सवाल उठाते हैं कि ज्यादती हो रही है एक धर्म के त्यौहार के साथ। लेकिन ये क्या है, ये नहीं मुझे समझ आ रहा है कि अगर फेस्टिवल है तो फेस्टिवल के नाम पर सड़कों पर इस तरीके से पशुओं के अवशेष पड़े मिलना वो कितना सही है? अगर मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, आप प्लीज़ इधर थोड़ा दूर होके दिखाइए शिवम, थोड़ा सा दूर होके आप दिखाइए और जूम आप कर दीजिए बिल्कुल। यहाँ पर गायें कूड़े के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी और यही गायें जो है मांस में भी मुंह डाल रही हैं अपना, जो भैंस का मांस है, जो बकरे का मांस है, बीफ बीफ मीट जो उसके जो बच जाता है, जो वेस्ट निकलता है उनके अंदर से, वो सब यहाँ कचरे में डाला हुआ है। तो आइए अंदर चलते हैं, इस बस्ती के अंदर चलते हैं, क्योंकि हमने आपको बहुत यहाँ पर विजुअल दिखा दिए पूरे कूड़े के अंदर, हर एक जगह, एक कोई ऐसी जगह नहीं छूटी है जहाँ पर ये पशुओं के जो अवशेष है वो आपको नहीं दिख रहे होंगे। हर जगह पर आपको ये मांस दिख रहा होगा जो हमसे भी नहीं देखा जा रहा है, किसी से यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाएगा। बदबू इतनी ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, देखिए लोग खड़े होकर देख तो रहे हैं लेकिन इस पर बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? क्यों आप लोग ये देख रहे हो कचरा, कैसे रह रहे हो यहाँ पर? ये परेशानी तो होती है, अब देखते हैं अब कहे किससे ज़्यादा, कोई आज सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुनता नहीं। आप लोगों ने कभी इसके खिलाफ कुछ किया, मतलब कुछ ऐसा कि हम लोग ऐसे नहीं रह सकते इस गंदगी में? अगर कोई आने जाने वाला, मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से जिस जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पड़े हुए हैं गर्दन काट के, बीफ की बकरे की सब कुछ ऐसी पड़ा हुआ है, ये देखना किसको अच्छा लगेगा बताइए? किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता ना। तो कभी ऐसा कुछ एमसीडी ने ध्यान नहीं दिया, कूड़े कचरे की गाड़ी आती है तो कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया कि तीन दिन की अगर कुर्बानी है तो तीन दिन यहीं पड़ा रहेगा ये सब? रात दिन गाड़ी जा रही है, कूड़े की रात भी चार बजे गाड़ी गई है, दमादम गाड़ियाँ जा रही हैं सब खत्तों पे से, यहाँ से भी गाड़ी जा रही है। हाँ यहाँ से लेके नहीं जा रहे? नहीं लेके गए थे, रात भी लेके जा रहे थे। कितना है यहाँ पर कूड़ा? कॉलोनी पूरी कॉलोनी एक खत्ता, तो गाड़ियाँ रात दिन लग रही है, इस खत्ते पे भी लग रही है और खत्ते जाफराबाद में। इस टाइम तो बहुत हाई फाई काम चल रहा है एमसीडी का कूड़ा उठाने का। हाँ मैं तो दिख रहा है ये हाई फाई काम, ये हाई फाई काम है मैडम। मैं बताता हूँ यहाँ पर जो काम हो रहा है ना वो इस तरीके से, जैसे 100 आदमी काम करने वाले हैं तो यहाँ 10 है, अगर 100 20 गाड़ियाँ तो 2 काम कर रही है, पता नहीं ना कहाँ से लग रही साफ सफाई है।
पूरे कह रहे हैं कि यहाँ पर धनाधन जो है कूड़े की गाड़ियाँ इनके घर से उड़ रहा है, घोड़ा इनके घर से स्पेशल उड़ रहा है। अब आप यहाँ से एंट्री करोगे ना तो सबसे मतलब यहाँ से कूड़े से ही आपको मिलेगा, है ना। मैं तो किसी और काम के लिए आई थी यहाँ पर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखने आई थी, लेकिन मुझे दिख गया ये कूड़ा। दूसरी तरफ से एंट्री कीजिए, स्थानीय तरफ से, वहाँ से भी कूड़े से एंट्री मिलेगी आपको। मतलब काम को लेकर कोई है ना, सब प्रचार में व्यस्त है, फोटो खिंचवाने में व्यस्त है, काम में कोई व्यस्त नहीं है। 25 साल से यहाँ पर विधायक है मोहन सिंह बिष्ट, काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे जीत हो रही है। कौन सी पार्टी से है मोहन सिंह? बीजेपी से मैम। दूसरी बात, तुम्हारे सांसद हैं मनोज तिवारी, एक ढीले का काम नहीं किया 10 साल के अंदर, एक ढीले का, लेकिन सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट लेकर जीत के बैठ गए और 5 साल तक वो दिखाई नहीं देने के पूरे लोग मतलब इस करावला विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है ना। और रह गए तुम्हारे आमिर मलिक, आमिर मलिक अकेला चला क्या भाड़ फोड़ेगा, वो सिर्फ भी बेचारे फोटो खिंचवाते हैं, अपना अभी भी ऐड होता फिर रहा है, मैं आमिल मलिक हूँ और मैं कूड़ा उठा रहा हूँ, मैं उठता कुछ होता है कुछ नहीं। सब ये जब से एमसीडी, चलो ठीक है, इससे पहले तो बीजेपी के पास थी एमसीडी, अभी जब से केजरीवाल के पास आई है, आम आदमी पार्टी के पास आई है, कुछ फायदा आपको दिख रहा है? मैडम हमारा साल दर साल जो हमारे क्षेत्र जो जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ ग्राउंड पे हम रह रहे हैं, साल दर साल बस से बदतर काम होता जा रहा है। पहले वालों को हम बढ़िया बताते हैं, अब वालों को घटिया बताते हैं। ये पहले वाला ही बढ़िया था, इससे तो पहले वाला बढ़िया था, लेकिन अब ऐसा काम हो रहा है बस से बदतर दिन ब दिन होता जा रहा है। हर जगह आप अंदर को जाइए, हर गली के मुहाने पर आपको कूड़े मिलेगा, हर गली आपको भरी हुई मिलेगी, हर गली मतलब हर जगह गंदगी गंदगी मिलेगी। सफाई हमारा मतलब ही इतना, हमारा जो है ना जो एक होता है एक पहचान जो बन गई है, वो साली इसी से बन गई, बन रही है, बन गई गंदगी से बन गई है कि हम लोग साफ नहीं रहना चाहते। हमारे ईमान में पाकी आधा ईमान वो होता है, आधा वो होता है मैडम ईमान, मतलब हमारा तभी ईमान पूरा जब हम साफ रहे, लेकिन आज हमारे अंदर ये हो चुका है कि हमारे पहचान ही गंदगी से बना दी गई है। कुछ तो हमारे करने वाले कुछ हमारा, अब इसका जिम्मेदार किसको कहेंगे? ये जो अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं इसके लिए एमसीडी की गाड़ी को जिम्मेदार देंगे कहेंगे, या फिर उन नागरिकों को जो ऐसे खुले में फेंक दिया? मैडम दोनों को कहेंगे हम। पहली बात तो हम भी है ना, सफाई के हिसाब से जहाँ हमें डालना चाहिए कूड़ा हम पानी डालते हैं, कहीं भी पूरे में फैला देते हैं, घर के सामने फैलाया। दूसरा उसके बाद हमारी सरकारें ऐसी आ गई है, हो गई हैं कि वो तो ध्यान देते ही नहीं, खासतौर से हमारी कम्युनिटी पे, खासतौर से हमारी कम्युनिटी पे वोट बैंक बना के रख दिया। ओनली वोट बैंक, कुछ भी नहीं, ओनली वोट बैंक, वोट चाहिए, वोट जीते निकल गए, बात खत्म, इतना होता है मैम। अभी आम आदमी पार्टी में एमसीडी मतलब ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं? मैडम हमारे यहाँ तो नहीं संभाल पा रही है बिल्कुल भी, बिल्कुल सब बहुत गंद मचा पड़ा है पूरी कॉलोनी में। आप है ना, यहाँ पर कोई सही आदमी जब आता है ना बाहर से, ये कहता है कहाँ रह रहे हो आप लोग, कोई भी मतलब गिरे से गिरा गांव का भी आ जाएगा ना मैम। ठीक है कूड़ा तो ठीक है, लेकिन कूड़े के साथ साथ ये जो देखने को मिल रहा है ना, ये सर कटा हुआ, अभी मैंने देखे 2-3 भैंस के सर कटे हुए थे, तो वो तो कोई नहीं देखना चाहेगा। देखिए सड़क के ऊपर एकदम से नजर पड़ जाती है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है या फिर कोई वेजिटेरियन है, कोई भी नहीं देखना चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा मैम, ऐसी गंदगी देखे दिखाए। ये तो युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए था इसको हटाने के लिए, एक ही दिन के हटना चाहिए था ये, लेकिन जब 3 दिन जब कुर्बानी चलेगी तो ऐसे ही रहेगा शायद, जैसे ढीला काम है तो ये तो पता नहीं 2-4 दिन 7 दिन ऐसे रहे। तो ईद से पहले तो ये बंदोबस्त होना चाहिए, पता है सरकार को जो एमसीडी में है अभी कि ईद के टाइम पे कुर्बानियां होगी तो उसका इंतजाम नहीं करा? उसका मैडम होना चाहिए पहले से ही, इसका इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि आपको पता है इस दिन की कुर्बानी होनी है, तो उससे 2 दिन पहले से आपका ऐसा होना चाहिए कि सारा कूड़ा हाथों हाथ उठ के वेस्टेज में जाए। लेकिन उनके एकदम आंखें तब खुलती है जब सारा स्टॉक लग जाता है, बड़ा बड़ा स्टॉक हो जाता है, वो हाथ से निकल जाता है, मतलब अब 2-4 दिन 7-10 दिन इसमें गंवाने। आप जाके देखिए अंदर गाड़ियां चल रही है, मैं आमिल मलिक आपका पार्षद और मैं सफाई में व्यस्त हूँ और इसमें व्यस्त हूँ, ये सफाई हो रही है देख लीजिए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखिए कूड़े में तो कोई भी नहीं रहना चाहता है, लोगों की भी मजबूरी हो जाती है कूड़े में रहने के लिए, क्योंकि जो शासन प्रशासन है वही काम नहीं करना चाह रहे हैं, वही जो है यहाँ से कूड़ा नहीं उठा रहे हैं। देखिए हर तरफ आपको इस तरीके के ये मिल जाएंगे कूड़े के अंदर, उधर भी पड़ा है इधर भी पड़ा है, हर तरफ मांस है, अंदर से इंटेस्टाइन निकाल के फेंके हुए हैं, वेस्ट मटेरियल, ये देखिए इधर नज़र मारिए यहाँ पे किस तरीके से ये मतलब सड़क पे कैसे फेंक सकता है कोई, क्योंकि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं ना वो ये कह रहे हैं कि देखिए गंदगी में कोई नहीं रहना चाहता है, लेकिन ईद ऐसा त्यौहार है, बकरा ईद हर साल मनाया जाता है, 3 दिन की कुर्बानी होती है, लेकिन उसका इंतज़ाम प्रशासन किस तरीके से कर रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा अंदर आएंगे हम, अंदर चल के भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो जब बकरा ईद पर कुर्बानी देते हैं और जब सेलिब्रेशन होता है तो वो कुर्बानी के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है एक पशु का, उनको वो किस तरीके से फेंकना चाहिए और कैसे जो है सड़कों को साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी
देना उनके मजहब में है, लेकिन इस तरीके से सड़क पर अवशेष फेंक देना वो कितना सही है उसको हम बिल्कुल भी सही नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ हैं इलाके जो यहाँ लोग रह रहे हैं, उससे मैं बात करूँगी। तो मतलब ईद पर इसी तरीके से होता है, हर बार फेंक देते हैं? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है हर बार। कभी आप लोगों को लगता नहीं निकलते वक्त कि हम क्या दे, हमें तो मजबूरी है ना, हमें तो मजबूरी है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि मतलब अगर जो कुर्बानी दे रहा है उसको सोच समझ कर, या कोई वो नहीं है, ये कॉलोनी वो नहीं है जो सुधार करने वाली कॉलोनी हुई है, सुधार नहीं होता है? नहीं यार, नहीं कभी सुधार होता। तो किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे ये बताओ, हम किसको ठहराएंगे? आप किसी को तो ब्लेम कर रहे होंगे कि कौन ये कर रहा है, कि उसकी गलती है? गलती जो यहाँ जीत रहा है उसकी गलती है, और उसकी गलती है जो जीत रहा है, जो यहाँ का चेयरमैन बना उसकी गलती है ना। चेयरमैन को करना चाहिए, यहाँ का जो करवा रहा है ये चेयरमैन को करना चाहिए। काम नहीं हो रहा है मतलब सरकार, हो रहा है आम आदमी पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। ठीक है, तो आइए एक दो और लोग अभी देखेंगे यहाँ से बातचीत करने के लिए। सर यहीं रह रहे हैं? अच्छा, नमस्कार। नमस्कार अंकल जी, कुर्बानी दी है आपने बकरा ईद पर? हो गई कुर्बानी जी? हो गई, अभी तो 3 दिन होगी ना, कल बार और होगी, कल कल और होगी, आज भी हुआ है क्या? हुआ होगा पता नहीं, आज नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए इस इलाके में हर साल यही होता है क्या, कुर्बानी पे ये सड़क पे फेंक देते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है पशुओं का? नहीं, बहुत से लोग जो है दूर जाके कूड़े पे डालते हैं, बहुत से लोग जो है जाने अनजाने वो यहाँ फेंक देते हैं, बहुत से ऐसे हैं लोग। अभी तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, स्मेल आ रही है वहाँ से, यहाँ तक सारे में स्मेल आ रही है, गंदगी है तो है, लेकिन ये तो गलत है ना, मास्क काट के वहीं फेंक दिया है, सर वहीं पड़ा है, धड़ वहीं पड़ा है, सब कुछ नहीं, वो चीज़ गलत है, लेकिन गलत तो गलत है, गंदगी होनी नहीं चाहिए, सफाई होनी चाहिए। किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके लिए आप? तो बदबू आ रही होगी क्योंकि इतना पास में पड़ा हुआ। पब्लिक ही ये जिम्मेदार, डालने वाले ही जिम्मेदार, उसमें सभी गिनती में कहलाएंगे, हम भी कहलाएंगे, चाहे भले से हमने कुछ किया या नहीं किया, क्या समझे? दरवाजे पे तो आपके भी है, ये रहा सामने, खिड़की बंद रखते हैं इस वजह से, खिड़की बंद रखते हैं, स्मेल आती है यहाँ से वहाँ तक। इस चीज़ के लिए क्यों नहीं बोला जाता है, क्या लोगों को समझाया नहीं जाता है कि अगर कुर्बानी दे रहे तो सड़क का सफाई का? कहते हैं कि भाई काफ़ी दूर जाके जहाँ कूड़ा करता वहाँ डालिए, लेकिन सब वही अपने मतलब पस्ती वाली बातें, और कुछ नहीं है कि अपने फेंक दिया अपना काम करा घर चले आए, गलत है ना तरीका, गलत है हमारे उसूल से। यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि सड़कों पर जो है गंदगी नहीं होगी, जब भी पशु कटेगा सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, अभी भी ईद पर भी बोला गया, तो वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में हम देखते हैं कि दिल्ली में इस तरीके का पड़ा हुआ है, सोचने वाली बात है। जो हमारा कार मुख्तियार इंसान है वो यहाँ है ही नहीं, इसका ओपनिंग हुई जब भी वो यहाँ नहीं था बंदा, नहीं तो फिर उसके पीछे जो कुछ उल्टा सीधा हो रहा तो होते ही रहेगा भैया। अच्छा, हाँ तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो फेंका गया ये सीएम की जिम्मेदारी है आप लोगों की? नहीं, जिम्मेदारी क्या, मतलब कानून इतना लागू कर दे जो फेंकने है उठा के बंद कर दो उसको, और क्या सिटी तो उन्हीं के अंदर है अभी। हाँ वो तो सिटी में तो ऑर्डर दे सकते हैं, मंत्री तो उनके बाहर हैं, और मंत्री तो बाहर है, जिम्मेदारी हम सबकी भी बनती है, खास तौर से जिम्मेदारी। देखो आदमी ही कूड़ा फैलाएगा तो जो कूड़ा उठाने वाला है उसकी ही गलत है, बस इससे ज्यादा हम नहीं जानते कुछ भी। चलिए ठीक है, तो देख रहे हैं आप किस तरीके से ये जो पूरा मोहल्ला है, राजीव विहार नाम है इसका, राजीव विहार में तमाम लोग रहते हैं, और यहाँ रहते सराते भी बिल्कुल घर के दरवाजे के पास कूड़ा है, और यहाँ पर पशुओं को काट कर फेंका हुआ है, बहुत गंदगी है, लोगों को बदबू भी आती है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि इसकी आदत हो चुकी है, हर साल का यही होता है, एमसीडी की गाड़ी नहीं आती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उनको खुद भी लेनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इस तरीके से पशुओं को काट कर बीच रास्ते में फेंक रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ से निकलने वाले लोगों पर क्या बीत रही होगी, और जो लोग इस मज़हब से बिलोंग नहीं करते हैं वो लोग अगर इस तरीके से देख रहे होंगे तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी देखकर, क्योंकि हम जैसे लोग, क्योंकि मैं भी यहाँ से गुज़र रही हूँ, मुझे ही देखकर मन नहीं कर रहा है उस तरफ दोबारा जाने का, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की ये एक मानसिक रूप से ग्रसित होंगे वो लोग जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, ऐसे सड़क पर खुले में जो है मांस फेंक रहे हैं, पशुओं को काट कर फेंक रहे हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है।
ईद बनाइए, ईद पर इस तरीके का काम अगर हो रहा है तो वो बहुत गलत है, इसकी पूरी तरीके से निंदा करते हैं। लोग भी हमारे साथ सहमति रख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, कूड़े के साथ ऐसे पशुओं को काट कर फेंक रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए और थोड़ी समझ होनी चाहिए, क्योंकि हर काम सरकार नहीं कर सकती, प्रशासन नहीं कर सकता, कुछ चीज़ों के लिए आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और खुद उसको करना पड़ता है। तो साफ़ सफाई भी आप ही के हाथ में है, अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं तो सड़कों पर साफ़ सफाई की जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।